गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो बिना स्किप के एंड तक देखना। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ माय ब्रेकफास्ट प्लान फॉर वेट लॉस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीच में मोटी हो गई थी जब घर पे थी। माँ खिला खिला के पेट बाहर कर दिया था। सारी ये वीडियो में है, मैंने एक्सरसाइज किया, क्या पिया, क्या खाया, मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। शायद ये वीडियो दो पार्ट में आने वाला है, तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड यस, अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। क्यूकम्बर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा चॉप चिलीज, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर, कंप्लीट ब्रेकफास्ट आज के लिए। इसमें तीन मुट्ठी भर मैंने ग्रीन स्प्राउट लिया है, उसमें सैलड जो भी आप डालना चाहते हो। मेरे पास क्यूकम्बर नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। उसके साथ में एक सीजनल फ्रूट ले रही हूँ, पीच लिया मैंने, छोटे साइज के थे तो मैंने तीन लिए हैं। आप कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हो। और मैं ड्रिंक में क्या लेती हूँ बाद में शेयर कर। दिस इज माई ड्रिंक, देखने में जितना खूबसूरत है पीने में उतना बकवास है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसीलिए मैं पीती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ हेवी ब्रेकफास्ट में सॉलिड ना लेके एक ड्रिंक बना लूँ अपने लिए। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। बिहार में स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, और कोलकाता में भी हम पीते हैं। बाबा बचपन में बहुत बहुत बार पिलाती हूँ, अभी मैं बना के सबको पिलाती हूँ। और शुभ को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में जो भी लेती हूँ उसके बाद एक फ्रूट ले लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने दो ग्लास वाटर का भी पी लिया है, अब भी मैं खा लेती हूँ एक एप्पल, उसके बाद मैं ड्रिंक बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर। तो ये ड्रिंक बनाने के लिए चाहिए हमें अनियन, चिली एंड नींबू, और चाहिए ब्लेंडिंग जार, एक ग्लास और सत्तू का पैकेट। मैं कोलकाता से लेके आती हूँ। सत्तू पेट बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है, इस गर्मी के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। उसके साथ अगर खाली पेट में अनियन खाया जाए ना तो अनियन पेट ठंडा रखता है। तो सत्तू का सरबत बहुत अच्छा बनता है अगर फ्रिज के पानी में, मतलब ठंडा ठंडा पानी में बनाते हैं। लेकिन मैं वेट लूज करना चाहती हूँ इसलिए मैं रूम टेम्परेचर वाला पानी ऐड करूँगी। मैं दिखाती हूँ कितना सत्तू लेना है। तो मैं एक ग्लास बनाऊंगी, उसके लिए मैं इतना लाइक 1/3 ग्लास मैं सत्तू ले रही हूँ। ये मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। अब इसमें लूंगी मैं 1.5 ग्लास पानी। तो मैंने वाटर प्यूरिफायर से पानी निकाला और ऐसी शरबत बन गया। तो ये पानी है एक ग्लास पानी और 1/2 ग्लास, क्योंकि ये बढ़ेगा जब ब्लेंड करेंगे ना तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब भी इसमें मैं डाल दूंगी एक नींबू का एक्सट्रैक्ट करके। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू, मुझे थोड़ा ज्यादा खट्टा खट्टा पसंद है, तो मैं एक पूरा नींबू डालने वाली हूँ। आप जितना खट्टा खाते हो उतना ही डालो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं एक पूरा नींबू इसमें ऐसे डाल रही हूँ, एक हाथ से नहीं होगा डालने दो। थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट भी डालना था लेकिन मेरे पास खत्म हो गया है। और अभी लगा देते हैं ढककर, इसको अच्छे से व्हिप कर लिया मैंने। अब इसमें ऐड कर लूंगी चॉप्ड चिली एंड अनियन। व्हिप कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नींबू कम है, तो मैंने फिर से ऐड कर दिया है। अभी ऐसे ग्लास में इसको पोर करना है, हाफ फिल करना है और हाफ फिल करने के बाद
इसमें हम ऐड कर देंगे अनियन, थोड़ा सा और अनियन एंड ग्रीन चिलीज। इसके ऊपर अगर ब्लैक सॉल्ट डालती ना मज़ा आ जाता। उसके ऊपर फिर से फील कर देंगे ये शरबत से, तो बन गया हमारा टेस्टी सत्तू का शरबत। आज मूंछ नहीं बना, हर बार मेरा मूंछ बन जाता है पीने के बाद। बहुत अच्छा बना है ये ना, सत्तू पीने के बाद पूरा दिन ना पेट भरा भरा रहता है, दैट इज वेरी नॉर्मल। जो नहीं पीते हैं उनके लिए बता दूं, जो पीते हैं उनको तो पता ही होगा। अभी ना मैं ये पी लूंगी, बहुत अच्छा बना है। सो फॉर टुडे दिस इज माय ब्रेकफास्ट। आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर वेट लॉस। ये पेस्ट बनाने के लिए मैंने यूज किया हाफ बोल येलो मूंग दाल, उसके साथ हाफ टेबल स्पून क्यूमिन, छोटा सा एक जिंजर का टुकड़ा और टू ग्रीन चिलीज और सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक का मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि मिक्सिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये चॉप्ड अनियन और चिलीज। इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा होगा, इससे पतला भी नहीं चाहिए और इससे गाढ़ा भी नहीं चाहिए। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा टर्मरिक कम है तो मैं थोड़ा सा टर्मरिक और सॉल्ट ऐड करूंगी अब। तो अब चलते हैं रेसिपी की ओर। बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। इतनी ज़्यादा गर्मी में इंसान करे तो करे क्या, मैं कहाँ रखूँ तो दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पे रख लिया है एक पैन, अभी इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल बहुत ही कम क्योंकि हम फैट कम करने के लिए मतलब वेट लूज़ करने के लिए रेसिपी बना रहे। जैसे हम मोटे होने के लिए बनाते हैं वैसे वाला, ना ऑयल चाहिए ना कुछ भी चाहिए इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। गैस में मुझे ऐसा लगता है गैस में जितना अच्छा खाना बनता है इंडक्शन में मैं उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ। तो इसका मिक्सचर कुछ ऐसा, इतना ज़्यादा येलो क्यों लग रहा है, एक्चुअली इतना येलो नहीं है। आप चाहो तो आप टर्मरिक स्किप कर सकते हो लेकिन मैंने ऐड किया है इसमें। तो इसमें क्या क्या गया, इसमें गया हाफ बोल येलो मूंग दाल, उसमें मैंने दो ग्रीन चिलीज और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और क्या डाला क्यूमिन सीड्स डाल के मैंने अच्छा सा एक फाइन पेस्ट बना लिया था। कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा होगा जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और उसके बाद ऐड किया चॉप ग्रीन चिलीज एंड अनियन। फिर से मैं दिखा देती हूँ, इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है। थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर लिया है। अच्छा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मैं ऑयल थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। इतना ऑयल हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जितने में ग्रीजी हो पैन उतना ऑयल चाहिए। अभी इसमें हम डालेंगे ये बैटर। हल्के हाथों से ऐसे स्प्रेड करते हुए जाना है। चीज़ जब कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा लाइक वाइट वाइट होने लगेगा तो इसको पलट देंगे। तो ये वाला निकाल लेते हैं। सो दिस इज माई आज का ब्रेकफास्ट। मैंने एक बड़ा साइज का और एक छोटा साइज का चीला लिया है और उसके साथ मैंने कर्ड लिया है। आपको जो सही लगे आप ले सकते हो। और हाँ कर्ड में मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है। ये मैं अभी खा लूँगी थोड़ी देर बाद, मैं फिर से फ्रूट्स खाऊंगी। चलते हैं अभी खा लेते हैं एप्पल बाहर बैठ के। अभी ये गर्मी में खाना पॉसिबल नहीं है इसीलिए मैं बेडरूम में बैठ के खाऊंगी और आप लोगों से बातें करूंगी। एक मिनट एसी ऑन कर लेती हूँ। ये ब्रेकफास्ट प्लान, मेरा जो डाइट प्लान चल रहा है, मैं तो सिर्फ ब्रेकफास्ट प्लान आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये फॉलो करके मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट लूज हुआ है। लाइक मैं इतनी मोटी हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, पेट इतना बाहर आया था वो काफ़ी हद तक अंदर गया है। एक्सरसाइज करना है मस्ट, वॉक करना है, अच्छे से सोना है, पानी पीना है, उसके साथ अच्छा सा डाइट फॉलो करना है।
हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है, तो अगर आपको इंटायर एक डाइट चार्ट चाहिए तो आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। ये मेरे बॉडी के लिए, मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है और मेरे वेट भी लॉस हो रहा है इससे। इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में शेयर किया कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ, कैसे बनाती हूँ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया है ये मेरा वीडियो, इसीलिए मैं मंडे टू वेडनेसडे का इस वीडियो में डाल रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट प्लान कैसा है। और उसके बाद जिस दिन मेरा ऑफ होता है उस दिन मेरा चीट डे होता है, सो उस दिन को छोड़ के बाकी जो 3 दिन का है वो मैं सेकेंड पार्ट में डालूंगी। सो वेट फॉर इट एंड मस्ट वॉच इट। ब्रेकफास्ट के हाफ एन आवर बाद या 1 आवर बाद मैं एक फ्रूट लेती हूँ, कुछ भी फ्रूट, जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगे आप खा सकते हो। मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स और पीचेस पड़े हुए, तो मैं वही रगड़ रही हूँ, वही खा रही हूँ। पीचेस अच्छे बिल्कुल ही नहीं आए, बड़े खट्टे खट्टे हैं, मेरे को चिपका दिया। लेकिन एप्पल बहुत ही मीठे और क्रिस्पी हैं, और डाइट में एप्पल ऐड करना चाहिए। अगर आप हेल्दी डाइट कर रहे हो तो एप्पल जरूर से उसमें ऐड कर लेना। तो और क्या, दैट इज इट, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।